सो फिलहाल यहाँ से निकल के तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, चलते हैं यहाँ पर। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है डे 3 इंटर्नशिप का। अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे इंदिरा नगर, तो यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा विश्वविद्यालय के लिए, जो कि आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ ओल्ड कैंपस, लखनऊ यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। तो चलो चलते हैं, इंटर्नशिप करते हैं आज की फिर से, और दिखाते हैं आज, दिखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। सो मोनेश जो मेरा कज़न ब्रदर है, जो आपने पहले एक ब्लॉग में देखा होगा, वो वैसे न्यू कैंपस में पढ़ता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, बट लेकिन वो आ जाएगा मेरे से मिलने के लिए। पाखी एंड इश्ता नाम भी वहीं मिलेंगे, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी आ गए हम लोग विश्वविद्यालय। तो फिलहाल यहाँ मैं इश्ता मैम से मिल रहा हूँ, वो यहीं पर ही, उनका घर यहीं पास में है। सो अभी उनसे मिलता हूँ और फिर अभी देखते हैं, बाकी को थोड़ा आने में लेट होगा, तो फिर आप लोग जब तक कुछ खा पी लें। फिलहाल अभी आए हम लोग A1 बेकरी पे एंड चलते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं। यहाँ मैं मिला हूँ इश्ता मैम से, अभी हम लोग आए A1 बेकरी। तो फिलहाल अभी हमने ऑर्डर किया है आलू पैटीज, तो यहाँ अभी हम लोग खाएँगे पियेंगे। सो फिलहाल यहाँ से निकल के तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, चलते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग ने एंट्री ले ली है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंड ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैप है, कैसा क्या है, गाइड प्लान, और चलते हैं अंदर। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर, एंड नो प्लास्टिक इज फैंटास्टिक। फिलहाल यही सब है, खुद की JCB रखी हुई है इन लोगों ने, वाह क्या बात है, JCB की खुदाई है। कोऑपरेटिव लैंडिंग लाइब्रेरी। सो अभी तो हम लोग अंदर चलते जा रहे हैं, और ये सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं जो भी हैं सारे, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, वहाँ वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उस तरफ। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ LU ओल्ड कैंपस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल आपको जितना हो सकता है उतना दिखाऊँगा यहाँ की पूरी यूनिवर्सिटी, और फ़िलहाल अपना काम वगैरह भी करते रहेंगे साथ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, और ये उसकी बिल्डिंग है पूरी। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स जो कि इस तरफ है, वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं, बिकॉज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और वो लोग बस चलते चले जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। वो बाकी देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी यूनिवर्सिटी। वो इसकी ट्रांसफार्मर के उधर की तरफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, एंड काफ़ी देखो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स के बैठने वगैरह की जगह है, ये सब बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। एंड ये ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये साइबर लाइब्रेरी है। तो ये है टैगोर लाइब्रेरी, टैगोर पुस्तकालय इन हिंदी, पूरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। सो ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि बना हुआ है सब लाइन से। ये है वुमेन कॉमन हॉल, वुमेन्स कॉमन हॉल, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि वहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिलहाल बस यही है, अभी इतना हम लोग आए हैं, एंड और चलते हैं आगे, दिखाएंगे आप लोग को। सो फिलहाल गाइज, यहाँ हम लोग को अभी पता चला है कि ओल्ड कैंपस में BBA क्लासेस होती नहीं है, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो अभी हम लोग का पोपट हो चुका है, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। सौरभ सर ने हम लोग को बोला था कि ओल्ड कैंपस जाना है, फिलहाल ओल्ड कैंपस में तो BBA की क्लास चलती नहीं है मोस्टली। सो हम लोग का जो टारगेट स्टूडेंट्स, टारगेट बच्चे हैं, वो हैं BBA के, तो अब देखते हैं। फिलहाल ये पूरा पार्क है, अभी गर्मी हुई है काफ़ी ज़्यादा तेज़, फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी 2 मिनट हम लोग बैठते हैं यहाँ पर छाया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्क है। ये देखो क्रिकेट वगैरह के लिए बना रखा है स्टंप पत्थर वाला, एंड ये खड़े हैं महात्मा गांधी जी। फिलहाल पाखी एंड इसी तरह वहाँ बैठे हुए हैं, सौरभ से बात कर रहे हैं, जब तक मैं आप लोग को टूर करा देता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस का, थोड़ा बहुत जितना है देख लो। वहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ बोटैनी, ठीक है, उस तरफ डिपार्टमेंट ऑफ बोटैनी है, एंड दिखाता हूँ और पास से चल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर तो शायद पानी हुआ करता था या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट फिलहाल वो है डिपार्टमेंट ऑफ बोटैनी, है ना। और फिलहाल इतना आप लोग देख लो और दिखाता हूँ, बाकी वो लावली बिल्डिंग क्या है वो मुझे नहीं पता है,
फिलहाल चलते हैं अभी दोबारा से नीचे और दिखाते हैं बाकी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है वो, इतनी बड़ी जो मैंने आपको पहले दिखाई वो थी टैगोर पुस्तकालय, उससे उस तरफ थी साइबर लाइब्रेरी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ये है कैंटीन यहाँ की ओल्ड कैंपस की, और अभी हम लोग उस तरफ से आए थे, उस तरफ से हम लोग यहाँ पे कैंटीन में आए हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। ये कैंटीन है छोटी सी यहाँ की। गाइस ये है पीजी ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश वगैरह वगैरह, सो इस साइड है एंड कैंटीन उस तरफ थी। और ये कोई सा ब्लॉक है कुछ, मेरे को तो नाम ही पढ़ना नहीं आया, हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी में लिखा था। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ। ये है ONGC सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ की बिल्डिंग, जो कि ब्लॉक भी कह सकते हैं इसको। फिलहाल यहाँ से एंट्री है अंदर जाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं। फिलहाल गाइज ये है पार्किंग एंड उसी के बगल में ONGC सेंटर ऑफ फॉर एडवांस स्टडीज़, ये उसकी बिल्डिंग है। सो पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है एंड ये बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट अब जिस भी तरीके की यहाँ पे पढ़ाई होती है वो एडवांस स्टडीज़ बोले तो, मुझे तो इतना नहीं पता है। फिलहाल हम लोग पार्क में दोबारा से आए एंड वो हैं इशिता मैम जो कि स्टूडेंट से बात करने के लिए गई हुई हैं एंड हियर कम्स पाकी। सो गाइज अब जाकर काफ़ी भीड़ हुई है, मतलब अब देखो पूरा भरा हुआ सा लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है अब तो। अभी हम सभी लोग लीड्स निकाल रहे हैं किसी भी तरीके से, देखते हैं, पूरी कोशिश रह रही है हम लोग की। वो मोनिश जैसे कि आपने पहले ब्लॉग में देख ही रखा है इसको, बाकी ये प्रॉपर ठीक ठाक हो चुका है, अब चल फिर रहा है बढ़िया से। सो और ये मेन कैंप लखनऊ मेन कैंपस जानकीपुरम से क्या कर रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो हाँ ये भी आया था मेरे से मिलने के लिए। फिलहाल अब देखते हैं, अगर जाता हूँ उसके साथ जानकीपुरम न्यू कैंपस तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से रूम पर निकल जाऊँगा, ये चला जाएगा अपने कॉलेज। तो बस अभी थोड़ा बहुत साथ रहेंगे, घूमेंगे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पर मोनिश के, क्योंकि आज फ्राइडे भी है तो नमाज़ ही पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है और कल से फिर रमज़ान भी शुरू है। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं रूम पर अपना, फिर जो भी है वज़ू वगैरह बना के जाएंगे मस्जिद, नमाज़ पढ़ेंगे फिर। खैर फ़िलहाल इशिता मैम और पाकी तो हैं अभी काम में शुरू, मतलब लगे हुए हैं बाकी, तो मतलब ज़रूरी है कि मैं पहले नमाज़ ही पढ़ूँगा फिर उसके बाद ये सब देखूँगा। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और लास्ट यही था कि कुछ लीड्स मेरी निकली, कुछ लीड्स नहीं। फिलहाल ये बाइक से आया है तो चलते हैं। सो फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से। सो यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में क्वार्टर मिला है एंड अभी तो ये सारे क्वार्टर्स बने हुए, सारे क्वार्टर्स रेलवे क्वार्टर्स है ना, पुलिस क्वार्टर्स। तो फिलहाल ये है क्वार्टर। और क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आंटी। अज्जू को आपने देख ही लिया, अज्जू कॉलेज था, कुछ काम से गया, वो निकल गया है। मैं और मोनिश जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। फिलहाल अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने के बाद। सो गाइस अभी फ़िलहाल अभी नमाज़ पढ़कर हम लोग आ गए हैं और टोपी लगाने के बाद बालों की दुर्दशा ऐसी हो जाती है, उसकी भी होगी मेरी भी होगी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रुकूँगा थोड़ी देर, खाना पीना खाऊँगा और फिर उसके बाद निकलूँगा कोचिंग के लिए। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और पूरा एक तरीके से छोटा मोटा टूर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जिसको बोलते हैं मेन कैंपस ही बोलते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस।